तो बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के लिए सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत, नवीन जैन और अमरपाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं। उत्तराखंड से बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए 10 सीटें खाली हैं। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट का नाम सामने आया है राज्यसभा के लिए। आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, इसके अलावा नवीन जैन, साधना सिंह को भी टिकट दिया गया है। संगीता बलवंत भी राज्यसभा का टिकट पा चुकी हैं। तो ये कौन है नवीन जैन, वो भी आपको बता रहा है। आगरा के बड़े कारोबारी हैं जिनका नाम राज्यसभा के लिए सामने निकल कर आया है। 7 लोगों के नाम फिलहाल अभी तक सामने आ चुके हैं और लगभग 7 सीटें पक्की मानी जा रही है बीजेपी की। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, संगीता बलवंत भी एक नाम है जिनको राज्यसभा का टिकट जो है वो दिया जा रहा है। उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए होंगे। इसके अलावा चौधरी तेजवीर सिंह है, अमरपाल हैं, आरपीएन सिंह हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं और संगीता बलवंत की बात की जाए तो गाजीपुर की रहने वाली हैं। संगीता बलवंत ओबीसी जाति से आती हैं। पूर्वांचल में ओबीसी वोट बैंक है। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं संगीता बलवंत। साथ ही साथ 2017 में विधायक बनी थी साधना सिंह, 2014 में पहली बार विधायक बनी। इसके अलावा मुगलसराय सीट से वो विधायक बनी थी और इनका नाम भी राज्यसभा के लिए रखा गया है। 2017 में भी विधायक चुनी गई थी। साथ ही 2000 में जिला पंचायत सदस्य भी बनी थी साधना सिंह। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, राज्यसभा के लिए 7 नामों का ऐलान कर दिया गया है, क्या जानकारी है? और ना बिल्कुल, देखिए जिन 7 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए किया है उसमें से अगर हम जाति और क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो वो बड़ा साधने का प्रयास किया गया। इस समय ओबीसी को लेकर यानी कि पिछड़ा वर्ग को लेकर जो राजनीति चल रही है, जो तमाम विपक्षी दल है वो पिछड़ों को साधने में लगे हैं। तो ऐसे में अगर आप इन उम्मीदवारों का नाम देखेंगे तो उसमें 1 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 जैन और 4 ओबीसी वर्ग के इसमें हैं, जिनको जो कि तमाम ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टी से भी आए, चाहे वो आरपीएन सिंह हो जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो 7 लोगों का नाम का ऐलान तो जरूर कर दिया है, लेकिन एक जो नया समीकरण अब यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, एक नई जो दिशा और दशा नजर आ रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें यहाँ पर जरूर खड़ी हो सकती हैं। जो एक फॉर्मूला होता है राज्यसभा सांसद के लिए विधायकों के अनुसार, कितनी सीटें हैं विधायकों की, उसके अनुसार इस बार जो फॉर्मूला जो गणित निकल के आ रहा है वो 1 को जिताने के लिए 38 कम से कम वोट चाहिए, यानी कि 38 विधायक चाहिए। और अगर एनडीए गठबंधन की बात उत्तर प्रदेश में हम करें तो उनके पास 7 कंफर्म सीट्स है, यानी कि 7 अपने उम्मीदवारों को वो जिता सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, आरएलडी जिस तरीके से मुखर है समाजवादी पार्टी से एनडीए की तरफ जाती हुई वो नजर आ रही है, तो अब जो 3 कंफर्म सीटें थी समाजवादी पार्टी की उसमें से 1 अब कम हो चुकी है, यानी कि सिर्फ 2 ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अब राज्यसभा पहुंच पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में अगर आरएलडी जाता भी है तो वो भी अपने कैंडिडेट को जिता नहीं पा रहे हैं, यानी कि सभी के पास, दोनों के पास जो है कुछ विधायकों की कमी रहेगी, कुछ वोटर्स की कमी जरूर रहेगी। तो ऐसे में जो 1 सीट का पेच फंसा हुआ है 8वें नंबर वाली, ये देखने वाली बात होगी कि इस पर किसको जीत हासिल होती है, क्योंकि 7 ऐसे हैं जो कि कंफर्म है, जो उनका दलबल है, जो उनका बाहुबल है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का, उसके अनुसार 7 जीत कर जा रहे हैं, 2 समाजवादी पार्टी खेमे के जा रहे हैं, लेकिन 1 जो सीट फंस रही है वो आरएलडी ने जो समीकरण बिगाड़ा है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो ये अभी फिलहाल 7 प्रत्याशियों के नाम तो घोषित हुए हैं, हालांकि 2 नामों पर चर्चा समाजवादी पार्टी में भी चल रही है। आज सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव बैठक भी इस बात को लेकर कर सकते हैं अपने विधायकों के साथ कि किसको राज्यसभा भेजना चाहिए। तो तमाम सारे सवाल अखिलेश यादव के मन में भी होंगे कि 2 तो हम अपने पहुंचा ही देंगे, लेकिन 1 जिसके लिए जद्दोजहद करनी है वो नाम कौन सा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए।